नाम यास्टर्स भी है। मैं बुनियादी तौर पे एक स्क्रीन राइटर हूँ और एक्टर हूँ और डायरेक्टर हूँ। मैं ताल्लुक थिएटर और टेलीविजन से, और रिसेंटली मैंने अपनी फीचर फिल्म का आगाज़ किया है। तो ये है मेरा मामला, ये मैं करती हूँ। शायद ये बात करना ज़रूरी है क्योंकि इससे मैं आपको अपना और फैज़ का रिश्ता भी शायद ज़्यादा क्लियर कर सकूँ। शायरी की कोशिश करती हूँ मैं, और पिछले एक साल में कुछ ऐसी 50-60 नज़में हैं जो कि कहीं सामने वीडियो वो कैमरा रखा, सेल्फी वीडियोस बनाई और अपलोड करनी शुरू की। तो कुछ को ख़याल अच्छा लगा, कुछ को अंदाज़ बयां अच्छा लगा, कुछ को तनकीद के लिए अच्छी लगी वीडियोस, तो कुछ चल चला सकी। तो इस वक्त मुझे अक्सर थुकबंदी लगती है या मुझे लगता है कि मैं प्रोज को पोएटिकली पढ़ देती हूँ, बट मामला ऐसा है कि आज का शायर टाइप रेपुटेशन सी बन गई। मैंने जब बचपन में, मेरे वालदैन का ताल्लुक सहाफ़त से है, किताब घर में अक्सर डिस्कस होती थी, अदब पोइट्री पोइट अदीब, बड़े भाई का भी बहुत रुझान था, तो ये मेरे घर का ही माहौल था। अराउंड 7-8 साल की उम्र में मैंने कहा मुझे भी कुछ करना है। तो मैंने उस पॉइंट पे जब जो हमारी छोटी सी एक लाइब्रेरी थी उसमें किताबें ढूंढनी शुरू की, तो मेरे हत्थे चढ़ गई नुस्खा हाय वफा, और मैंने कोई 8-9 साल की उम्र में नुस्खा हाय वफा तो पढ़नी शुरू की। तो अब मुश्किल भी इतनी लफ्ज थे, पूछना भी नहीं चाहती थी किसी से क्योंकि प्रिटेंड करती थी कि नुस्खा हाय वफा पढ़ रही हूँ और समझ में पूरी आ रही है। सो फैज़ अहमद फैज़ वॉज माई इंट्रोडक्शन टू पोइट्री, मतलब मेरा बचपन का रिश्ता है फैज़ से। और उस वक्त फैज़ साहब जिंदा तो नहीं थे, लेकिन मैं जब जिस वक्त की शायरी पढ़ रही थी तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, तो ये एक ज़्यादा उम्र के आदमी और एक कम उम्र इंसान के बीच में एक रिश्ता था। ब्यूटी ये थी कि मुझे उनकी बात समझ आ जाती थी, मुश्किल अल्फाज। आई थिंक जोश मलियाबादी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्स व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी, उर्दू वोकैबुलरी, जो अल्फाज का ज़खीरा उनके पास है। और फैज़ अहमद फैज़ जो है ना कहीं से भी पीछे नहीं है, उनका भी अल्फाज का ज़खीरा इतना वसी है कि इट वॉज हार्ड टू अंडरस्टैंड, लेकिन थाट बहुत आसान लगता था मुझे। और उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन, लोग अक्सर कहते हैं कि जॉन एलिया जब आप शेर पढ़ते हुए देखते थे तो आपको विजुअली पोइट्री सुनाई भी देती थी और दिखाई भी देती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि फैज़ साहब अपने महदूद अंदाज़े बयां के बावजूद उनका ख्याल इतना पुख्ता था, और उनकी जो अल्फाज की बुनत थी, आप पूरी गज़ल या नज़म से गुजरते थे तो आप देख पाते थे उनके थॉट। दैट्स द ब्यूटी, द विजुलाइजिंग ऑफ अ थॉट इज़ व्हाट डिड इट फॉर मी। आज की जो नज़म है उसके बारे में मुझे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ा। जब मुझसे गर्मी ने जिक्र किया तो मुझे इंस्टेंटली पता था कि मुझे कौन सी नज़म पढ़नी है। नज़म का नाम है जिंदा की एक शाम। ये पहली नज़म थी जिंदगी में जो मैंने जुबानी ही याद कर ली थी। मैंने कहा ये मैं भूल नहीं सकती क्योंकि ये इतनी खूबसूरत नज़म है, दैट आई शुड रिमेंबर इट। तो उर्दू पोइट्री में अपनी नज़में कहने, शेर लिखने, पढ़ने से पहले जो सबसे पहली चीज़ मैंने याद की थी वो जिंदा की एक शाम थी। और ये कोई वही 10-11 साल की उम्र का वक्त है जब अपने भी छोटे छोटे शेर कहने शुरू कर दिए थे। तो बंदी ये मुझे बड़ी अच्छी लगी बात फैसले साहब की गुफ्तगू में की, तो जब उन्होंने शुरू में इंसान शेर कहना शुरू करता है जिनको शेर समझ रहा होता है वो बस तुकबंदी सी ही होती है। जिंदा की एक शाम ने मुझे इतना ज़्यादा क्यों इंस्पायर किया, 11-12 साल की उम्र में जिंदा की शाम से क्या आपका मतलब है, मतलब वाई वुड यू इवन बी इंप्रेस्ड और इंस्पायर्ड। मुझे इस बात ने इंप्रेस और इंस्पायर किया, वो ये कहा इस बात ने किया कि जिंदान यानी प्रिजन की एक रात को भी क्या कोई उम्मीद में बदल सकता है, क्या उसकी मंजर कशी भी इतनी पुरउम्मीद, इतनी रोमानवी और इतनी खूबसूरत हो सकती है। अक्सर ट्रैजेडी को शायर अधिक रोमांटिसाइज किया करते हैं, लेकिन वो ट्रैजिक रोमांटिसिज्म होती है।
फैज की इस नज़्म में रोमांटिसिज्म होपफुल है और डिस्क्रिप्शन जिंदान की एक शाम की है. दैट इज व्हाट गॉट माय अटेंशन. वहां मुझे लगा कि ये आदमी जो है ना, इसको पता है ये क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज ही इज एबल टू कॉन्टेक्स्टुलाइज. जो कि आम आदमी या किसी आम सोचने वाले इंसान को लगे कि तो जिंदगी खत्म हो गई, फना हो गया, मैं मुक गया सब कुछ, क्योंकि मैं जेल में ही हूं ना और जेल में रात हो गई है, यानी मुझे यहां सोना भी पड़ेगा. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, नज़्म पे चलते हैं तो आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा, जिन्होंने नहीं सुनी भी नहीं पढ़ी भी वो जान पाएंगे कि क्यों. मेरी सारी जिंदगी का अभी तक की मोटो ये नज़्म है बुनियादी तौर पर. और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नज़्म पढ़ने के बाद मैंने अपने वालिद साहब से जाकर क्या सवाल किया. शाम के पेचो खम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कहती किसी ने प्यार किया. सहने जिंदा के बेवतन अशजार, सहने जिंदा के बेवतन अशजार, सरनिगू महव है बनाने में दामने आसमां पे नक्श निगार. शानाए बाम पे दमकता है मेहरबान चांदनी का दस्त जमी, शानाए बाम पे दमकता है मेहरबान चांदनी का दस्त जमी, खाक में घुल गई है आग नुजूम, खाक में घुल गई है आग नुजूम, नूर में घुल गया है अर्श. सब्ज गोशों में नील गूंस आए, सब्ज गोशों में नील गूंस आए, लहलहाते हैं जिस तरह दिल में मौज दर्दे फिराक के यार आए. दिल से पहम ख्याल कहता है इतनी शीरी है जिंदगी किस्मत. ये सारा कुछ हो चुका है पर दिल से पहम ख्याल कहता इतनी शीरी है जिंदगी इस पर. जुल्म का जहर घोलने वाले, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज न कल. दिल से बहम ख्याल कहता है कितनी शीरी है जिंदगी इस पर. जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज न कल. जलवागाहे विसाल की शमाएं, जलवागाहे विसाल की शमाएं वो बुझा भी चुके हैं. शान बेनियाजी एंड जलवागाहे विसाल की शमाएं वो बुझा भी चुके हैं, अगर तो क्या चांद को भूल करे तो हम. तो मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि ये तो बड़े पढ़े लिखे से आदमी जेल में क्या कर रहे थे. कुछ चोरी को डाका कोई कत्ल मारी. और उन्हें कहा नहीं बेटा नजरियात. तो उससे आगे जो डिस्कशन थी उससे मैंने ये जाना कि नजरियात की रोशनी कहीं अंधेरा नहीं होने देती. नजरियात इंसान का इतना बड़ा असासा है, इंसान की सोच उसके ख्यालात वो जिंदान को भी खूबसूरत कर देते हैं. Although actions speak louder than words, but it is the motivations behind the actions that define us truly. और जब आपके नजरियात आपके ख्यालात खुशाइंद हों रोशन हों तो फिर वो आपके पूरे वजूद और आपके इर्द गिर्द हर चीज को रोशन कर देते हैं. फिर जिंदान जिंदान नहीं रहता, वो एक पिकासो की पेंटिंग बन जाता है. बिकॉज शाम के पेचों खम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात. मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे कि आप क्यों करके बैठे हुए हैं और एक बाग है और आपके हाथ में चाय का एक कप है और इस्लामाबाद की शाम है शायद ये, और हल्के हल्के सितारे आपको आसमान पे दिखाई देने लगे हैं जिससे एक राह गुजर सी बन रही है, कुछ जीना स्टेयर केस जैसा दिखाई देता है जिससे अब रात ने प्रवेश करना शुरू किया. इतनी ग्रैंड एंट्रेंस है, इतनी तो हीरो हीरोइन की फिल्म में नहीं होती जितनी ग्रैंड एंट्रेंस. पहले शेर में रात
जिंदान की रात जो कि एक बहुत मॉर्बिड थॉट हो सकती है वो निहायत ग्रैंड एंट्रेंस में तब्दील कर दी, और ये शायद एक ऐसा ही शायर कर सकता है जो कि सिर्फ तो बंदी ना कर रहा हो, उसका एक्चुअली एक थॉट प्रोसेस हो, उसके नजरियात हो। और तो पहले शेर के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रैंड एंट्रेंस इनटू द प्रिज़न डिस्क्राइब की गई है, और दूसरे शेर में जो इर्द गिर्द की हवा है, जो अगर इंसान वैसे सोचे तो है जेल की हवा कैसी स्टेल सी होगी ना, रुक सा गया होगा वक्त वहां पे, रुक जाता होगा सब कुछ, एक बू सी महसूस होती है सोच के माहौल को। लेकिन फैज साहब कहते हैं कि यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कहती है किसी ने प्यार किया है। यानी मैं जिन नजरियात के बिना पर इस जेल में इस वक्त मौजूद हूँ वो नजरियात इतने बड़े हैं, ये मूवमेंट इतनी बड़ी है कि इस वक्त ये मरहला भी बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हवा नहीं सबा है और आम्रियत की सख्ती नहीं बल्कि प्यार की बात है। सहने जिंदा के बेवतन अशजार, यानी सहने जिंदा के अशजार जो है, क्योंकि वो जिंदान के मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्योंकि अब वो जेल की कोर्टयार्ड के ट्रीज एंड प्लांट्स हैं तो वो भी एक एग्जाइल में है, क्योंकि अगर इंसान कहीं धोता है तो वो भी वतन से बाहर ही होता है, जेल जेल है, वो चाहे आपको गुआंतानामो बे में डाल दे, कोई हरियाणा में डाल दे या कराची की सेंट्रल जेल जेल में डाल दे, जेल तो बस फिर वो एक जैसा ही माहौल हो जाता है, तो वतन तो उसके बाहर ही है, तो ये भी बेवतन ही है मुझसे। लेकिन इन्होंने भी अपने आप को बिजी रखा हुआ है, मतलब सरनिग महब है बनाने में दामन आसमां पे नक्श निकाल, तो जो साए हैं उनके और जो उनकी एक जनरल कॉन्स्ट्रक्ट है वो भी एक मुसव्वरी है बुनियादी तौर पर, ये कहना चाहते हैं फैसला। और फिर शानाए बाम पे दमकता है मेहरबान चांदनी का दस्ते जमीन, बाम छत शानाए बाम तो क्रेस्ट ऑफ द रूफ के ऊपर से, तो यानी अगर प्रिजन की लाइटिंग को बहुत मुनासिब नहीं है जो कि अगेन हमारी इमेजिनेशन में मुनासिब से नहीं लगती, लेकिन जब रात पड़ भी गई अंधेरा हो गया प्रिजन ने भी अपनी तमाम तक कार्रवाई कारकर्दगी कर दी तो उसमें चांद का क्या करेंगे आप। इट्स ब्रेव, इट्स बोल्ड, इट्स ऑलमोस्ट चैलेंजिंग, इट्स कॉन्फ्रंटेशनल कि जो चांदनी की का रहम है, उसकी जो मेहरबानी है वो तो बदस्तूर मौजूद है, वो आपके बस में नहीं है, जिसको वो इस थॉट को ही यहां से शुरू करके वो एंड में कल्मिनेट करते हैं। और क्योंकि फैज साहब भी उस वक्त के शायरों और उनसे पहले जो शोरा थे साकी शेख चांद मैकदा, ये तशबीहात इस्तेमाल की जाती थी बहुत। फैज साहब की खूबसूरती ये है कि उन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे शायरी की और उसमें इन तमाम रेफरेंसेस को इस्तेमाल किया पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डिफाइन करने के लिए, इसलिए शायद उनकी शायरी इनकलाबी और पॉलिटिकल होने के बावजूद भी बोरिंग नहीं थी। ही वाज एन इंटेलिजेंट पोएट, ही न्यू हाउ टू कीप इट इंटरेस्टिंग। सो तशबीहात रोमांटिक थी मगर बात सियासी थी, बात फिक्र की थी, बात सोच की थी। बट आई थिंक दैट्स अगेन ये एक ऐसा एरिया है फैज अहमद फैज को का ये दुर्रा इम्तियाज है कि वो ये कर है कि आप एक्चुअली इस नज़्म को भी देखें तो ये लगता है कि ये वतन की बात नहीं हो रही, बाहर की बात नहीं हो रही, ये एक्चुअली इट्स द सेपरेशन फ्रॉम द लवर दैट्स बॉदरिंग दिस मैन द मोस्ट, बट इट्स एक्चुअली द सेपरेशन फ्रॉम द कॉज। लेकिन तशबीहात वही है, तो चांद को अक्सर महबूब के चेहरे से तशबीह दी जाती थी, तो वही तशबीह इस वक्त इस्तेमाल करके एक्चुअल चांद से सोर्स ऑफ पीस के तौर पे चांद को इस्तेमाल किया गया। खाक में घुल गई है आबे नुजूम, नूर में घुल गया है अर्श का नीम, आबे नुजूम बहुत सारे सितारों की जब एक वो एक डेंस सी फॉगी सी लाइट क्रिएट होती है उसको जब वो ट्रांसेंड करती है और शाम के वक्त आपको एक ह्यू भी रात के वक्त फील होता है, तो फैज साहब कहते हैं कि इतना खूबसूरत मंजर है कि जो खाक है वो भी सितारों की तरह ग्लिसन कर रही है और जो अर्श का नील है जो इस वक्त डार्क हो जाना चाहिए वो नूर में खुलकर ल्यूमिनस है,
तो इस वक्त शायद कैसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ हर तरफ रोशनी चांदनी और इल्यूमिनेशन। ही इज फीलिंग ट्रूली एनलाइटेंड एंड इल्यूमिनेटेड। सब्ज गोशों में नीलू साए लहलाते हैं जिस तरह दिल में मौजे दर्दे फिरा के आ रहा है यार आए। ये तीन मिस्रों का जो शेर है ना, ये मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी बड़ा ट्राई करती हूँ कहना। ये बहुत खूबसूरती से इनकॉर्पोरेट कर लिया करते थे फैसला अपनी नज्मों में, और इट वॉज जस्ट डन विद सो मच ब्यूटी कि उसका पूरा एक वजन क्रिएट करना और उसको लेकर चलना एक मुश्किल काम है, जो कि इन्होंने 3 बार तकरीबन इस नज्म में किया हुआ है। सब गोशों में नीलगुण साए लहलाते हैं जिस तरह दिल में मौजे दर्दे फिरा के यार आए। तो तशबी अगेन फिर पेन, द बिटर स्वीट पेन ऑफ रिमेम्बरिंग द बिलवड। उस तशबी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो जो छोटे छोटे डार्क पैचेस हैं उनको इल्यूमिनेट किया है और ऐड किया है अपने इस मंजर कशी में, के इल्यूमिनेटेड भी हूँ लेकिन बिटर स्वीट पेन भी है। ये सब इमोशंस एक साथ मौजूद हैं लेकिन डिफीटेड नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ तक वो इस बात पे पहुंच गए हैं कि सब है। और फिर वो बात करते हैं दिल से पैहम ख्याल कहता है। अब पैहम दिल के करीब ख्याल भी हो सकता है और लगातार भी हो सकता है, बोथ थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसके दोनों मतलब भी समझे तो बात एक ही है यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि ये भी हो गया, तकलीफ भी है, दर्द भी है, इल्यूमिनेटेड भी हूं, लेकिन दिल से पैहम ख्याल कहता है इतनी शीरी है जिंदगी इस पर। इस सब के बावजूद जिंदगी शीरी है, मीठी है। कड़वाहट इस नज्म का मकसद नहीं है, जो कि बहुत आसानी से हो सकता है कोई भी इंसान जेल में उसके लिए। जुल्म का जहर, हाँ इसमें जो जुल्म का जहर घोलने के चक्कर में लोग हैं ना, वो आज भी कामयाब नहीं है और ना ही वो कल कामयाब होंगे। अगेन वेरी चैलेंजिंग, वेरी कॉन्फ्रंटेशनल, वेरी बोल्ड। यू कैन इम्प्रिजन मी बट यू कैन नॉट किल मी एंड माई ब्रेन एंड फिनिश हाउ आई थिंक। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म, होप, होप डेफिनेटली। और फिर हासिले नज़्म हासिले गज़ल, जलवा गाहे विसाल की शमाएं। आपने मुझे बाहर से उठाया जहां मैं पार्टी हाउस में भी बैठ सकता था, मैं अपने दोस्तों से भी मिल सकता था, महफिलें भी हो रही थी, मुशायरे भी हो रहे थे, मैं खुल के अपनी बात कर सकता था। आपने कहने को क्योंकि वो मेरी तरह बैठे वीडियो तो बना नहीं रहे थे प्रिज़न में, वो तो कहते हो गए फिर उसकी बात को सोच सुन नहीं सकता था। तो आपने छीन ली मुझसे वो महफिल, आपने छीन लिया है एज द टायरेंट मुझसे वो अबिलिटी कि मैं अपनी बात कह सकूं। मुझे लगता है कि जलवा गाहे विसाल की शमाएं या जलवा गाहे विसाल की तशबी जो है वो एक्चुअली अपनी बात कर पाने से वो बुझा भी चुके हो तो क्या ठीक है, डन है। चांद को भूल करें तो हम जाते। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहां पर ये तशबी जो है वो उनके ख्याल और उनके वजूद से है। क्या आप मेरी सोच कैसे खत्म करेंगे, मेरी सोच और इसके साथ जुड़ी हुई मूवमेंट को कैसे खत्म करेंगे? वो तो एग्जिस्ट करती रहेगी, वो अपना रास्ता खुद बनाती जाएगी और पनपती रहेगी, क्योंकि चांद तो एक यूनिवर्सल चीज है। बिल्कुल इसी तरह कोई भी आइडिया जब एक इंसान से बढ़कर मल्टीपल लोगों का हो जाता है तो फिर वो किसी एक इंसान की कैदोबंद से रुकता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कि आप चांद को डिफ्यूज नहीं कर सकते, ग्रहण भी नेचर या यूनिवर्स खुद लाएगी तो लाएगी, इट्स नॉट इन द हैंड ऑफ द टायरेंट। तो ये किसी भी मूवमेंट या किसी भी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ने वालों के लिए आई थिंक इट्स अ मैनिफेस्टो। ये नज़्म जो है ये उम्मीद और वलवले और इट्स फूड फॉर ब्रेवरी दैट नथिंग कैन रियली किल एन आइडिया। आइडिया लव द ट्रूथ, दैट इज व्हाट आई थिंक।